हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल डिजिटल करेंसी टेक्निकल में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैंप कॉइन, भारत का ये पहला कॉइन है फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले याद दिला दें, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लाते हैं हम डेली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे हर एक वीडियो में कि TCC का इन्फॉर्मेशन दीजिए, वीडियो बनाइए। तो इसके रिगार्डिंग अभी अभी मुझे एक डायमंड अचीवर चैंप कैश कंपनी के, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर किया, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं और इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं फ्रेंड्स। ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको, भारत का ये पहला कॉइन है जिसके फाउंडर महेश वर्मा जी थे। और इसकी जो ये जो कॉइन है, इसकी प्लानिंग क्या थी फ्रेंड्स, 2016 अगस्त के आसपास TCC की प्लानिंग किया गया। और इसका पहले जो नाम था फ्रेंड्स वो चैंप कॉइन था। उसके बाद में क्या किया गया, इसकी नवंबर में लिस्टिंग हुई, नवंबर दिसंबर के आसपास पे CCX इंटरनेशनल एक्सचेंज है, आप लोगों को पता होगा जो लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद इसका हैकिंग हो गया, ये कॉइन ही ख़त्म हो गया, हैक कर लिया गया किसी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस कॉइन को फिर से जनरेट करवाया गया, फिर से बनवाया गया महेश वर्मा फैमिली की तरफ से। और उसके बाद में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपना खुद का एक्सचेंज इन्होंने लाया जिसका नाम था TCC एक्सचेंज। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या हुआ, महेश वर्मा जी की तबीयत ख़राब हुई और बहुत ही बुरी तरीके से तबीयत ख़राब होगी। और उसके बाद में ये एक्सपायर हो गए बहुत ही कम एज में, लगभग 28 या 30 एज इनकी बहुत ही कम है और ये एक्सपायर हो चुके हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, कॉइन एकदम से आप कह सकते हैं डाई हो गया, मर गया। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे लोग छोड़ करके चले भी गए, बहुत सारे लीडर्स इसके, और बहुत सारे लोग अभी भी साथ में हैं फ्रेंड्स। तो अभी क्या हुआ है, इसकी TCC लैंडिंग वेबसाइट बनवाई गई और कॉइन को फिर से बनवाया गया, एक अच्छे ब्लॉकचेन या अच्छे टेक्नोलॉजी पे इसको बनवाया गया कॉइन को। और उसके बाद में अब एक्सचेंज पे लिस्टिंग की बारी आई। और अभी जो लेटेस्ट खबर हमारे को मिली है फ्रेंड्स, वो ये मिली है कि मर्काटॉक्स एक्सचेंज पे इस कॉइन की लिस्टिंग होने जा रही है। और अब हम फ्रेंड्स आपको ले चलते हैं यहाँ मर्काटॉक्स एक्सचेंज। आपको पता है ये एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, आप लोग कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे मर्काटॉक्स एक्सचेंज पे जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मर्काटॉक्स का ट्विटर अकाउंट भी दिया हुआ है, फीस चैट हर एक चीज़ दिया हुआ है। और 822 बिटकॉइन की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, जो आज का वॉल्यूम है फ्रेंड्स। अब हम इसके ट्विटर अकाउंट पे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26,000 फॉलोअर्स हैं इनके। और यहाँ पर अभी एक घंटे पहले अनाउंसमेंट हुआ है मर्काटॉक्स की तरफ से, वी आर गोइंग टू लिस्ट TCC वर्ल्ड इन जुलाई। तो चैंप कॉइन फाइनली फ्रेंड्स ये मर्काटॉक्स एक्सचेंज पे आने जा रहा है। और ऑलरेडी एक एक्सचेंज पे सुनने में आया है फ्रेंड्स कि ये लिस्टेड है, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सचेंज नहीं है। हम आपको याद दिला दें, ये मर्काटॉक्स एक अच्छा एक्सचेंज है, स्टार्टिंग फेज में कॉइन लिस्टेड होते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग भी अच्छी खासी होती है फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ लेटेस्ट न्यूज़ चैंप कॉइन यूज़र्स के लिए। अगर आपकी जानकारी में कोई भी चैंप कॉइन यूज़र है तो उसको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उसको भी पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में चैंप कॉइन में भी फंसा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों के पास में कोई भी इंडियन कॉइन जो भी अच्छा कॉइन रन कर रहा है या वो एक्सचेंज पर आने की तैयारी में है फ्रेंड्स, तो हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स करके बताइएगा, हम उस न्यूज़ को स्टडी करके आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।